अस्सलाम वालेकुम क्लास, ये मैंने अभी नोट्स बनाए हैं कि पॉसिबल क्वेश्चन किस तरह हो सकते हैं। सर हमें कह सकते हैं कि एक टेक्स्ट बॉक्स लें, एक बटन लें और एक लिस्ट बॉक्स लें। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट हो वो बटन पे क्लिक करते ही वो लिस्ट बॉक्स पे आ जाए। तो ये सिंपल सा इसका कोड है, ये एक ही लाइन का कोड है। देखिए कितना टाइम लगता है अगर आप समझ रहे तो। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है बटन पर क्लिक करके वो लिस्ट बॉक्स पर आ गया है, ठीक है। अब वो एप्पल को रिमूव करके कोई और आइटम लिख के बटन पर क्लिक करेगा, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। ये इसकी आउटपुट, सॉरी ये एक और प्रोग्राम है। अगर सर हमें कहे कि ये लिस्ट बॉक्स 1 के एटम्स है, इसको आप इस बटन एक ले उस पर क्लिक करें और वो लिस्ट बॉक्स 2 में रिमूव हो जाए, मूव हो जाए। तो इसका ये दो लाइनों का कोड है, ठीक है। अगर ये आपको समझने हैं तो आप मेरे यूट्यूब पे जो रिवाइजिंग वाली वीडियो उसमें भी मैंने बताया हुआ है और इसकी एक अलहदा भी वीडियो अवेलेबल है। इसके बाद सर अगर आप ये कहे कि आपको कहे कि एक लॉगिन पेज डिज़ाइन करें और उस पर एरर लगे। अब देखें मैंने सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है, अगर लॉगिन पेज बनाना हो हमें उसमें हमें दो लेने पड़ते हैं, एक यूज़र नेम के लिए और एक पासवर्ड के लिए, ठीक है। तो आप एक तो ये एक एक ये होता कोड, ठीक है। इसके अंदर ही फिर इफ लगा के ये टेक्स्ट बॉक्स 2 कर देते, ये टेक्स्ट बॉक्स 2 कर देते, ये एरर 2 कर देते, या भी टेक्स्ट बॉक्स 2 कर देते, ठीक है। मतलब अगर दो टेक्स्ट बॉक्स होंगे तो यह 2 2 चेंज कर देंगे और एरर वाले भी 2 2 कर देंगे। तो बस इतना सा फ़र्क है। जितना भी अगर आपको एक क्रिएटिव मतलब अगर आपको 10 भी टेक्स्ट बॉक्स लेने पड़े तो उस पर भी आप एरर इस तरह लगा सकते हैं। सिर्फ ये नंबरिंग चेंज करते जाएंगे, कोड सेम रहेगा, ये बटन भी एक ही रहेगा। अगर डिफरेंट बटन है तो ये बटन चेंज कर देंगे, बटन 2 कर देंगे। इसके बाद सर कहेंगे कि एक टेक्स्ट बॉक्स पिक्चर बॉक्स ले और उस पर इमेज कंप्यूटर से ले, ठीक है। तो बटन पे क्लिक करेंगे तो इसका ये कोड है, ठीक है। चाहे आप इसको रट्टा लगाएं या मेरी वीडियो देख के समझ लें। इसके बाद ये फाइल एक्सप्लोरर सारा भी कह सकते हैं कि नोट पैड या ये वाले चीज़ें ओपन करें बैरू स्ट्रिप को यूज़ करते हुए। तो ये बैरू स्ट्रिप है, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट एक्सप्लोरर का कोड ये है प्रोसीस डॉट स्टार्ट एक्सप्लोरर, ये आपने याद करना है, ठीक है। ये चीज़ें इतना कोड याद रखना है, अगर सिर्फ एक्सप्लोरर का बोले तो सिर्फ इतना, और अगर नोट पैड का बोले तो सिर्फ इतना। तो इस तरह ये सब का अलग अलग कोड है। इसके अलावा वो डेटाबेस का जो एक था कोड जिस पे आप बटन पे क्लिक करते थे और वो ऐड हो जाते थे या इंसर्ट हो जाते थे, तो उसकी एक अलग वीडियो बनी हुई है डेटाबेस वाली, उसमें मैंने बताया हुआ है। उसको मैंने नोट्स में इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो काफ़ी टाइम लग जाता है, पहले डेटाबेस ऐड करनी पड़ती है तो वो बहुत सारा टाइम लग जाता। तो अगर आप वहाँ से समझना चाहें तो समझ सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट दो प्रोग्राम थे प्राइम नंबर वाले, अभी वो मैं आपको करा रहा हूँ। सर ने शेयर को भी बोला था कि प्राइम नंबर को देख ले। तो दो तरीक़ों से प्रोग्राम आ सकता है कि आप यूज़र से इनपुट ले और चेक करें कि वो प्राइम है या नहीं। इसके कोड्स मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर करवा दिए हैं, तो अगर पेपर में लिखेंगे तो हम क्लास से शुरू करेंगे, ठीक है। क्लास प्रोग्राम ये इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता, ठीक है। इसके बाद स्टैटिक वाइड वेर स्ट्रिंग, ये चीज़ें आएगी, ठीक है, स्ट्रिंग। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, पेपर पे आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं स्टैटिक वाइड वेर से, ठीक है। ये भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हमें दो वेरिएबल चाहिए, एक तो हमने यूज़र से इनपुट ले लिया है उसके लिए, और एक से हमने लूप चलाना है, तो वो मैंने आई ले लिया, ठीक है। दो वेरिएबल ले रहे हैं और यूज़र से अभी इनपुट लेते हैं। वो कैसे लेते हैं, ए इंटू इट डॉट पार्स कंसोल डॉट रीड, ठीक है। ये इसका कोड है। अब अपने यूज़र से इनपुट ले लिया है, अभी ऊपर एक मैसेज भी शो करवा देते हैं कि इंटर आ नंबर, तो ये नंबर यूज़र इंटर कर देगा, ठीक है। तो इस वो ए में स्टोर हो जाएगा। तो अगर हमें प्राइम नंबर, वो जो मैंने आपको पहले प्रोग्राम करवाया था डेटाबेस वाली में, वो ऑड नंबर क्या है, वह मैंने गलती से प्राइम नंबर का बोल दिया था। तो ये है प्राइम नंबर का, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। अब हमें ना प्राइम नंबर पहले कौन से होते हैं मैं आपको वो बता दूँ। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद पे डिवाइड होते हैं या 1 पे डिवाइड होते हैं, जैसा कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 9 नहीं है क्योंकि 9 3 पे डिवाइड हो जाता है और खुद पे भी डिवाइड होता है और 1 पे भी। तो
तो हमने सिर्फ वो कर दिया जो खुद पे डिवाइड हो या वन पे डिवाइड हो। अब जैसे 5 है, ये या खुद पे डिवाइड होता है या वन पे डिवाइड होता है। तो हमने इसके लिए कंडीशन ले ली। अब देखिए प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। 1 हम नहीं लेते क्योंकि 1 पे तो वो सारे डिवाइड होते हैं, तो हमने 2 से लेना है। ठीक है, तो फॉर आई इज इक्वल टू 2, आई ऊपर मैंने ले लिया है। ठीक है, आई ऊपर मैंने लिया हुआ है। इसके बाद आप कंडीशन ये चलाएंगे कि आई लेस देन हो ए से, सॉरी ये एक से, आई लेस देन, एक सेकेंड, ये पता नहीं क्या हो गया, ये ब्रैकेट के इसके अंदर आ रहा था, मैंने बाहर लिख दी कुछ। अब देखिए हम एक लूप लेंगे, फॉर लूप लेंगे, जिसमें हम अपना आई सेलेक्ट करेंगे, वो 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जो हमारा आई होगा वो लेस देन रहेगा ए से, मतलब जो भी यूज़र नंबर इंटर करेगा, और ए इसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने क्यों यूज़ किया, अब ये मैं एक लाइन ये लिख लूँ तो आपको समझाता हूँ। अब चेक करें कि ए जो हमारा परसेंटेज है, ए परसेंटेज आई इज इक्वल टू 0, अगर ये ट्रू है तो इसको ब्रेक कर दो। ठीक है, तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया। तो अब ये मैंने क्यों लिखा ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखें जो हमारा फॉर एग्जांपल ए जो है हमारा वो 5 है। फॉर एग्जांपल अभी हम सिचुएशन ले रहे हैं कि जो हमारा ये ए है, यूज़र ने जो इंटर किया ये 5 है। ठीक है, तो अब ये 2 है, चेक करेगा कि जो 5 है हमारा वो 2 पे डिवाइड होता है, उसका रिमाइंडर 0 आता है। अब देखें ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये फॉल्स हो जाएगी तो ये ब्रेक नहीं लगेगी, क्योंकि ये जब तक ट्रू नहीं होगी ये ब्रेक नहीं लगेगी, जब ये ट्रू होगा तो तब ब्रेक लगेगी। अब देखें फिर ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई 3 हो जाएगा, फिर 5 3 पे डिवाइड, 5 3 पे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, दोबारा ये 4 हो जाएगा, 5 4 पे डिवाइड भी नहीं होगा। अब देखें ये हमारा 5 है ए, तो ये लेस है अभी तक भी, ग्रेटर देन है सॉरी आई से, आई हमारा 4 है। अभी जैसे ही आई 5 होगा, ठीक है, ये कंडीशन इवेल्यूएट होगी, आई इधर 5 हो जाएगा, ये कंडीशन इवेल्यूएट होगी। तो इधर देखें ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, क्योंकि हमारा जो आई है वो लेस देन रहना चाहिए ए से, तो अब 5 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये इसने सारी चीज़ें चेक की, ये टर्मिनेट हो गया, मतलब ये नंबर प्राइम था 5 था। ठीक है, अगर हम लेते 4 तो 4 2 पे डिवाइड हो जाता, ये ब्रेक लग जाती। अब जैसा कि वो 5 था हमारे पास, हमने 5 लिया फॉर एग्जांपल के लिए, तो वो शो करा दे। अब ये फॉर लूप ख़त्म हो गया, हमने इफ़ कंडीशन लगा दिया है कि क्या हमारा जो ए था आई था वो ए के बराबर गया था। ये मैं आपको समझाता हूँ, ये एक मिनट में लिख लो, तो सोल डॉट राइट लाइन, तो हम ये चेक करेंगे जो क्या हमारा आई था वो ए के इक्वल था। अब देखें हमने ए को जो था लिया था वो 5 लिया था, अब 4 तक तो ये ट्रू था, जैसे ही आई 5 हो गया, अब देखें आई इधर 5 हो गया, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो आई तो 5 तक गया था तो ये कंडीशन ट्रू होगी, मतलब आई ए के इक्वल गया था। अब जब भी वो आई ए के इक्वल जाए तो वो हमें शो करा दे कि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। अब देखिए अगर मैं 4 इंटर 5 इंटर करूँ तो ये कहेगा प्राइम नंबर है, 5 इज़ प्राइम नंबर। अगर मतलब अगर सर हमें कहे कि आप चेक करो वो, अगर वो प्राइम नंबर है तो मैसेज शो हो कि ये प्राइम नंबर है, अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो मैसेज शो हो कि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इफ़ के बाद हम एल्स लगा देंगे, मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो अगर ये प्राइम नंबर है नहीं है तो हम एल्स लिखेंगे। ठीक है, तो एल्स एल्स लिख कर हम ये इसका उल्ट कर देंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास कंडीशन है इसमें डॉट लिख देंगे, बाकी सारा सेम रहेगा, तो इसमें मैं यहाँ डॉट लिख देता हूँ। अब देखें मैं इसको रन करता हूँ। अब जैसे ही मैं अगर फॉर एग्जांपल अगर 5 है तो वो शो करा देगा 5 इज़ प्राइम नंबर। ये नीचे लाइन ये इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने कंसोल डॉट रीड लाइन लिखा, तो इस लूप के बाहर ही मैं इस लूप के अंदर ही सॉरी ये हमारी इधर ही मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, तो एक सेकेंड, ये इसके
बाहर आ गया एक जो इधर लिख देता ठीक है। अब मैं रन करता हूँ, अब देखें अगर मैं सेवन इंटर करूँ वो कह रहेगा सेवन इज प्राइम नंबर, ये देखें। और अगर मैं फोर इंटर करूँ या एट इंटर करूँ या नाइन इंटर करते हैं ठीक है, अब देखें वो कह रहा है नाइन इज नॉट प्राइम नंबर। तो ये इसकी मतलब ये इसका कंट्रोल कोड था, तो ये मैंने इसका कोड ऑलरेडी शेयर कर दिया। अगर हमें सर कहे कि आप फर्स्ट टेन प्राइम नंबर शो कराएं ठीक है, तो फर्स्ट टेन प्राइम नंबर हम कैसे शो कराएंगे, अब वो हम कोड लिखते हैं। उसके लिए ये मैं कंसोल डॉट रीड चले हटा देता हूँ। अब मैं कंसोल डॉट हमें इनपुट लेते हैं, इसको मैं मूव जूम कर देता हूँ। इंट एक ए लेंगे ठीक है, ए हम शुरू में रख लेते, एक सेकेंड में अभी वेरिएबल क्रिएट कर दो। एक आई लेंगे ठीक है, एक ए लेंगे एक आई लेंगे, ये अभी के लिए मैं दो वेरिएबल ले। अब अपना पहला अब सर ने हमें कहा है कि टेन प्राइम नंबर शो करें, अभी मैं पहला नंबर ले लेता हूँ। अभी पहला नंबर मैंने दो ले लिया, हमें पता है कि पहला प्राइम नंबर तो दो है ठीक है। इसके बाद आप कंडीशन लगाएंगे वाइल के, जब तक एक और वेरिएबल लेते हैं जिस पे हम वाइल की कंडीशन लगा ले, मैं एन ले लेता हूँ ठीक है। अब जब तक ये एन है ये इससे लेस देन या इक्वल टू नहीं हो जाता, मतलब जो हमारे प्राइम नंबर है वो टेन नहीं हो जाते, हमने फर्स्ट टेन प्राइम नंबर डाले है ना, ये फर्स्ट टेन प्राइम नंबर है। अगर सर हमें कहे कि वो प्राइम नंबर डालो जो 20 से लेस हो, मतलब 20 से पहले वाले प्राइम नंबर डाल दो, तो वो आप देख लोगे कि वो कितनी रेंज में आते हैं, जैसे कि 2, 3, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, तो ये तकरीबन 8 बनते हैं, तो आप यहाँ 8 लिख देंगे ठीक है। तो इसके बाद हम वो लूप स्टार्ट कर, ये एड हमने ले लिया ऊपर ठीक है, ये एरर क्यों दे रहा है, एड को हमने वैल्यू दे दी एक्चुअली, तो एड को इधर वैल्यू दे देते हैं ठीक है। एड हमारा अभी तक पहला है, मतलब पहली वैल्यू एड है, तो ये है इस तरह। इसके बाद वो फार वाला दोबारा चलाएंगे। अब फार उधर हमने आई रखा था, कितने रखा था, 2 रखा था, सेम चीज़ है ठीक है। और इसमें हम अब किसको किस पे चेक करेंगे, उस पे हम ए पे चेक कर रहे थे, इसमें भी ए पे चेक करेंगे, क्योंकि अब ए भी हमने इंक्रीमेंट करते जा रहा है, पहले हमारा 2 है फिर इस तरह 3 होता जाएगा, इस तरह करते जाएंगे, तो हमारा आई फिर प्लस प्लस ये आएगी कंडीशन ठीक है। इसके बाद इसकी ब्रैकेट दोबारा वही चीज़ आपने चेक करना है, इफ़ जो हमारा ए है वो परसेंटेज टू इक्वल टू ज़ीरो होता है, यहाँ तक आपको पता होगा कि हमने क्या किया है। देखें ये 2 है, अब 2 हमने रखा आई को इससे लेस, तो ये कंडीशन फाल्स है, मतलब ऑलरेडी आई 2 हो गया है, तो ये कंडीशन फाल्स हो गई, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो इधर हमारा मैसेज शो हो जाए इफ़ जब तक जो हमारा आई है वो क्या एक इक्वल गया था, और अभी देखें इसमें तो ऑलरेडी हमने एक इक्वल रखा हुआ है, तो इसमें हम कंसोल डॉट रीड लाइन कर देंगे राइट लाइन परसेंटेज 0 ठीक है कॉमा ए, तो वो नंबर प्रिंट करवा देंगे। अब इधर मैं ऊपर एक लॉज लाइन शो करवा देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन फर्स्ट टेन प्राइम नंबर्स आर ठीक है, तो ये फर्स्ट टेन प्राइम नंबर्स आ गए, इसमें मैं ब्रैकेट क्लोज कर, तो अब मेरे पास एक ऊपर मैसेज शो हो जाएगा कि फर्स्ट टेन प्राइम नंबर ये है। अगर ये आपको कोड नज़र ना आ रहा तो आप एच रिक्वायर्ड निकालेंगे। अब देखें फॉर एग्जांपल अब 2 तो हमारा प्राइम नंबर है, ये तो हमारा 2 आ गया, अब हमें कैसे नेक्स्ट प्राइम नंबर कैसे मिलेगा, क्योंकि हमें नेक्स्ट प्राइम नंबर चाहिए, फर्स्ट टेन प्राइम नंबर चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, जो ये हमारा ए है इसमें ए का इंक्रीमेंट कर देंगे, तो वो किस में करेंगे इफ़ में, मतलब जब इफ़ में आए तो वो ए का एक इंक्रीमेंट भी हो जाए, मतलब ये अगर कंडीशन ट्रू हो तो ए का एक इंक्रीमेंट भी हो जाए,
तो अब ए हो जाएगा 3, फिर चेक करेंगे फिर ए हो जाएगा 4, 5 इस तरह। अब देखें हमारा एड तो अभी भी एक है, मतलब ये कंडीशन ट्रू है, तो हमारे एड में भी एक इंक्रीमेंट होना चाहिए। वो किस में होगा? इस लूप के बाहर, इफ़ के बाहर, मतलब वाइल के अंदर लेकिन इफ़ के बाहर। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। एक सेकेंड, इधर मैं कंसोल डॉट रीड लाइन लिख लूँ। आई भी हमारा 3 इस तरह। इस पे ये चलना तो चाहिए, सॉरी मुझे लगता है ये हमारा चलना चाहिए, इसके अंदर ही चलना चाहिए। मैं कोडिंग देख लूँ, मुझे लगता है मैं खुद भूल गया, सॉरी ये इफ़ के बाहर चलना चाहिए। ठीक है, ये हमारा जो ये बी, ए का कभी यूज़ ही नहीं किया मैंने, तो ये मैंने कोड ही लिखा था, मुझे भूल गया। अब मुझे लगता है कि हमें यहाँ वो ए करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जब तक हमारे वो 10 प्राइम नंबर नहीं हो जाते, इधर छोड़ो इसे, अब इधर ही कर लेते हैं। ठीक है, ए प्लस प्लस। अब स्टार्ट में हमें ए को 1 रख लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट में 2 ही रखते हैं। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। अब देखिए ये 10 की रेंज के अंदर वाले प्राइम नंबर दे दिए, 2, 3, मतलब जो 10 के अंदर है ये आ गया, मतलब अगर सर 20 के अंदर क्या है तो वो वाले। तो अब ये गिन लेंगे कि वो जो हमारे फर्स्ट 20 प्राइम नंबर है वो किस पे आते हैं। तो फर्स्ट 20 प्राइम नंबर अब 30 पे आते हैं, तो अब ये 30 कर लेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इस रेंज में आते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये 20 के अंदर आ जाते हैं। तो अब यहाँ 20 लिख देंगे, मतलब जो हमारे अगर सर हमें कहे कि 10 फर्स्ट 10 प्राइम नंबर शो कराओ तो वो इस रेंज में आ जाएंगे। तो इसको आप देख लो, ये कोड है। ठीक है, तो इसके पास लास्ट था वो, उसका भी कोड मैंने सेट किया हुआ है वैसे, ये टेम्परेचर को कन्वर्ट करने वाला। तो सर ने कहा था कि एक लेबल ले, लेबल मैं ले लेता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर आपने अगर कुछ लिखना हो तो लिख लेना। ठीक है, लेबल इधर इंटर टेम्परेचर लिख रहा था, तो अभी मैं नहीं लिख रहा क्योंकि टाइप काफ़ी लेट हो रहा है। इसके बाद एक बटन लेते हैं, अब इस बटन पर क्लिक करें, जो फारेनहाइट का टेम्परेचर है या सेल्सियस का है वो फारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाए। तो अब इधर डबल क्लिक करेंगे, अब इसको मैं जूम कर लेता हूँ। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने 2 वेरिएबल लेने, अब पॉइंट में वैल्यू भी आ सकते हैं, तो अब ये पॉइंट में ले लेते हैं ए, सॉरी मैं एफ और सी ले लेता हूँ। अब हमने सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो हमने इनपुट लेनी है सेल्सियस में, मतलब जो हमारा टेक्स्ट बुक्स है, जो हमारे टेक्स्ट बुक्स का टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स है वो सी में आ जाएगा कन्वर्ट होके। ठीक है, तो हमने वो फार्मूला लगा दे रहा है, एफ हमारे पास किसके इक्वल है, ब्रैकेट में लिखेंगे सी, सी मल्टीप्लाई 9/5। ठीक है, उसके बाद प्लस 32, और मैसेज बॉक्स में शो करवा देंगे, मैसेज बॉक्स में शो करवा देंगे डॉट शो, हमारा एफ है टू स्ट्रिक कर दे उसे। ठीक है, ये कन्वर्ट होके शो हो जाए। और मैंने क्विज में सर ने फिर भी ठीक कर दिया क्योंकि मैंने यह कन्वर्ट नहीं किया था। तो अब देखें मैं इधर अगर 40 टेम्परेचर डालूँ तो हमारे पास ये शो करा रहा है 104, तो ठीक करा रहा है। ठीक है, तो 35 करते हैं। ठीक है, हम नॉर्मल 35 होता है 95। ठीक है, 35 पे सही करा रहा है। अगर हमें सर अब उल्टी सिचुएशन भी दे सकते हैं, हमें सर क्या है कि सर
सेल्सियस को फारेनहाइट पे कन्वर्ट करें, ठीक है। तो हमारा ये सेल्सियस अब इधर एफ कर देंगे, इधर सी कर देंगे, ठीक है। अब हमें ये फार्मूला कैसे है, मतलब ये नोट पैड, तो हमारा तो फार्मूला है अब सेल्सियस का कैसे बनेगा। हमारा जो ये फार्मूला था फारेनहाइट का इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32, ठीक है। तो हमने ये 32 उधर जाके मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ कर देंगे सी, अब 32 उधर जाके मैनेज हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ एफ मैनेज 32, और ये 5 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों साइड पे, ठीक है। ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32 से भी और इससे भी, ठीक है। तो इसको मैं ब्रैकेट के बाहर लिख रहा हूँ। अब डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अभी हमें 40 पुट किया था, 104 आया था रिजल्ट। हम उल्टा कर रहे हैं, तो अब उल्टा कर रहे हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, वो सेम आता है या नहीं। और बस 5/9 है, इधर मैंने गलत कर दिया फार्मूला, 5/9 है, ठीक है। 5/9 ब्रैकेट में फिर हमारा वो एफ बैनेस 32। अब हम चेक करते हैं, ये पॉइंट पे वैल्यू आ रही है, वो कह रहे हैं इसका इशू तो नहीं होना चाहिए। वैसे अब इसके साथ अगर लिख ले, इसके साथ मल्टीप्लाई, सॉरी अब वो मैंने गलत लिख दिया, इधर भी हमने मल्टीप्लाई लिखना था, ठीक है। अब इसको हमने 40 डाला था तो 104 रिजल्ट आया था, अब हम 104 डालते हैं तो क्या देखते हैं हमारे पास 140 आता है, 104 पे 104, सॉरी इधर तो मैं वो शो करा रहा हूँ एफ, इधर भी फिर हमने सी कराना है, ठीक है। अब मैं रट करके अब 104 पुट करते हैं और देखते हैं हमारा रिजल्ट 140 के इक्वल आता है, 0। वाई ओ सॉरी, मैं यूज़र से इनपुट तो ली नहीं, यूज़र से ली तो है 104, फिर भी 0 शो करा रहा है। नेट पे दे देते हैं, और हाइट ये क्या आ गया है, फॉरन लिख दिया है, मुझे से पहले के नहीं आते, सेल्सियस लिखता हूँ तो आ जाए, ये सेल्सियस टू फारेनहाइट आ गया ना। तो इसमें हमने अगर सेल्सियस 40 डाला है तो हमारे पास 104 आया। अब हम इसको उल्टा करते हैं, इधर हम फारेनहाइट करते हैं, इधर सेल्सियस, तो ये फार्मूला बनता है, ये फार्मूला अब हम यूज़ करते हैं, फार्मूला अब उल्टा लगा रहा था मैं, ये फार्मूला बनता है, ठीक है। तो इसमें हम एफ को संभाल कर देते हैं, और जब हमारा एक्स है इसकी जगह ये मल्टीप्लाई आएगा, और ये सेमी कॉलन, ये इशू क्या आ रहा है, ये पता नहीं क्यों रिजल्ट इस तरह दे रहा है। एफ हमने ब्रैकेट में लिख लिया एफ बैलेंस 32 मल्टीप्लाई 5/9, आप देखें एरर नहीं दे रहा। अब इसको रन करते हैं, अब 104 इसमें डालते हैं, देखते हैं अब देखें 40 आ रहा है। तो इसी तरह ये करना था, उल्टा आ जाए तो आपने ना ये फार्मूला बना लेना है। एक सेकेंड, इधर सही तरह से फार्मूला बनाते हैं,
तो ये एफ़ इधर ही रह जाएगा, ये 32 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैरेज 32 हो जाएगा, ठीक है। ये इज़ इक्वल टू, अब ये हो जाएगा सी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5। अब ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको एफ वैरेज 32 8 to 5, ठीक है। और ये डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये फार्मूला पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये फार्मूला आप बना लेते हैं, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।